वन विभाग द्वारा चंदवा पहाड़ी गांव से जल मीनार का उपकरण ले जाने के मामले में अब राजकुमार यादव कूदे कहा वन विभाग की कार्यवाही अनुचित तो और गैर कानूनी वन विभाग गलती सुधारे नहीं तो माले करेगी जोरदार आंदोलन तीसरी प्रखंड अंतर्गत खटपोक पंचायत के रिजनी गांव के चंदवा पहाड़ी टोला में नल जल योजना के तहत निर्मित जल मीनार पर बीते दिनों वन विभाग द्वारा कार्रवाई कर जलमिनार में लगे उपकरणों को जब्त करने के मामले को लेकर धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव शनिवार को चंदवा पहाड़ी गांव पहुंचे जहां ग्रामीणों से बात कर उन्होंने पूरी वास्तु स्थिति को जाना ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग वर्षों से दो किलोमीटर दूर से पानी लाकर पीते हैं जलमिनार पूरी तरह से तैयार था पेयजलापूर्ति शुरू होने ही वाली थी कि वन विभाग उपकरणों को ले गए पूर्व विधायक ने कहा कि वन विभाग द्वारा चंदवा पहाड़ी में नल जल योजना के तहत जल मीनार में लगे उपकरणों को तोड़फोड़ कर ले जाना गैर कानूनी व असंवैधानिक है न्याय उचित मांग करने पर स्थानीय मुखिया को तीन के झूठे मुकदमे में फंसाया गया है श्री यादव ने कहा कि बातचीत के क्रम में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके पास अपनी जमीन और कागजात होने के बावजूद वन विभाग के सिपाहियों ने ट्रेंच कटवाने की धमकी देकर उनसे दस दस हजार रुपये की वसूली की है पूर्व विधायक ने उपायुक्त से मामले में जांच की मांग की है साथ ही कहा कि आदिवासियों से जाति सूचक गाली गलौज करने वाले वन कर्मियों को अविलंब हटाया जाए कहा कि इसके अलावा जनप्रतिनिधियों पर किए गए झूठे मुकदमे को वापस ले और यहाँ से ली गई सामग्रियों को वापस करें अन्यथा इस मामले को लेकर भाकपा माले उपायुक्त से शिकायत करने के साथ साथ जोरदार आंदोलन करेगी पूर्व विधायक ने कहा कि आज आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी विधायक रहने के बावजूद यहाँ के आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है तीसरी की प्रशासन बेलगाम हो चुकी है उन्होंने कहा कि वन विभाग के नए कर्मी केवल पैसा वसूली में लगे हैं वहीं इस मामले में फोन पर पूछे जाने पर रेंजर अनिल कुमार ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है मौके पर मुखिया जानकी यादव छोटी यादव प्रकाश यादव सहित दर्जनों आदिवासी महिला व पुरुष मौजूद थे के ग्राम रिजनी के टोला चंदवा पहाड़ी में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अभी चंदवा पहाड़ी में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनरल नल योजना के तहत में यहाँ पर एक पानी टंकी का निर्माण किया गया था और आज से मतलब जो है सो सात दिन पहले यहाँ पर जो है सो फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने आकर के एक गैर कानूनी तरीके से असंवैधानिक तरीके से कानून को अपने हाथ में ले कर के यहाँ के पाइप को निकाल लिया इसके जो टंकी थे उसको उतार लिया और पूरा तोड़ फोड़ करके ले गया जो एक बहुत ही गैर जरूरी और असंवैधानिक बात है और इसलिए यहाँ के लोगों को पीने के पानी भी नहीं है और जिस तरीके से फॉरेस्ट विभाग ने मनमाना काम किया है ये बहुत ही गलत हुआ है ये आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है और अभी देखेंगे कि लोग दो किलोमीटर दूरी से ये पानी पी रहा है आप समझ सकते हैं कि यहाँ के बाहर आपके माननीय विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी हैं यहाँ पर जो है सो हमारे हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आज जो है सो तीसरी के प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है आप जो यहाँ के कुछ आदिवासियों ने भी आरोप लगाया कि हम लोग की अपनी जमीन और कागज के रहते हुए फॉरेस्ट विभाग के सिपाही लोग हम लोगों से दस दस हजार रुपया लिया है और कहता है कि तुम लोग का। तो इस तरह से यहाँ के प्रशासन चाह रहा है कि गरीबों के आवाज को दबा दिया जाए इसलिए जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो मुकदमा किया गया झूठा वो वापस ले और वन विभाग हम अविलंब मांग करते हैं कि जो भी यहाँ से सामग्री ले गया है उखाड़ करके उसको अविलंब लगावे नहीं तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर गिरिड उपायुक्त के सामने जो विशाल प्रदर्शन है यहाँ के आदिवासी लोग भी इन सवालों को लेकर के 9 अगस्त को पहुँचेंगे और भाकपा माले डीसी से मिल करके इन सभी मुद्दों पर स्मारक पत्र देगी और कार्रवाई की मांग करेगी आज तीसरी में ढिबरा बंद है लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है और लगातार फॉरेस्ट विभाग के जो नौजवान लोग नौकरी में बहाली हुए हैं वो सिर्फ पैसा वसूली में लगे हुए हैं जंगल तो हमारे ग्रामीण लोग बचा रहे हैं वन समिति के लोग बचा रहे हैं उनको ना विश्वास में लेकर के मनमाना राज चल रहा है इसको बंद हो